This is Dr. Babita S. Arora. I'm a practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare Delhi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोरोइड प्लेक्सिस ऑन अल्ट्रासाउंड. हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जब लेवल टू करवाते हैं तो रिपोर्ट में कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट आती है. देन दे गेट वरिड एंड दे ऑलवेज आस्क, मैम अब आगे क्या करेंगे, क्या ये सिस्ट बच्चे के लिए नुकसानदायक है, क्या हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्या हमें कुछ और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, क्या इस सिस्ट का बेबी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट आएगा. तो आज हम इन्हीं सब क्वेरीज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे डिटेल में व्हाट इज़ कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कोरोइड प्लेक्सिस. आर ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, सो टू प्रोटेक्ट द ब्रेन देर इज़ आउटसाइड स्कल एंड इनसाइड वी हैव वेंट्रिकल्स. दीज वेंट्रिकल्स कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड ए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. The ventricles contain a network of epithelium and blood vessels, specifically in the lateral ventricles. This network is called as choroid plexus. So, when the baby is forming inside the womb, उस time पे कभी कभी when the choroid plexus is formed, उसी plexus के अंदर we can see some developing cysts. कभी कभी ये एक साइड में हो सकती हैं एंड समटाइम्स देयर कैन बी बायलैटरल सिस्ट आल्सो. कब डिटेक्ट होंगी ये सिस्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम द कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट आर डिटेक्टेड ऑन एनोमली स्कैन, दैट इज़ द लेवल 2 स्कैन विच इज़ डन बिटवीन 18 टू 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो व्हेन द एनोमली स्कैन इज डन, द एनोमली स्कैन इज बेसिकली डन to rule out any congenital anomaly, that means any structural deformity in the baby. उसी time पे अगर brain में हमें choroid plexus में कोई गांठ, कोई cyst जैसा structure नज़र आता है, that is called as choroid plexus cyst. Most of the time level 2 में इस cyst के अलावा और कुछ भी abnormal detect अगर ना हो, so these cyst need not to be evaluated. But still अगर हमारे मन में doubt रहता है तो हम फर्दर टेस्टिंग करवा सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो फॉर क्वाड्रिपल मार्कर. सो अगर मदर की एज इज मोर देन 35 और उसमें कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट भी देखने के लिए मिले, सो वी जनरली प्रेफर डूइंग अ क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट. क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट कैन बी डन बिटवीन 16 टू 22 वीक्स. और अगर हमारा क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट इज एट लो रिस्क तो हमें आगे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर कभी कभी कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड में कुछ और भी अबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हुई है, जैसे कि हार्ट में कहीं कुछ डिफेक्ट आया है, इंटेस्टाइन में कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, ब्रेन में कहीं कुछ और भी अबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हुई है, इन दोज केसेस देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ सम एन्यूप्लॉयडी, जो हमने पहले भी डिस्कस की है. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर कैन बी अ चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम. लेकिन अगर सिर्फ कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट है, ईदर अ सिंगल कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट और बायलैटरल और मल्टीपल कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट, तो 99% केसेस में देयर इज नथिंग टू वरी. ये सिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू 28 टू 32 वीक्स में अपने आप डिसअपियर हो जाएगी. सो अ फॉलो अप स्कैन कैन बी डन आफ्टर 1 or 2 months, जिससे हमें पता चलेगा कि अब कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट नहीं है. कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होती है, बेबी में कभी भी मेंटल रिटार्डेशन या ब्रेन डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं करती है. सो मेयर डिटेक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट ऑन एनी अल्ट्रासाउंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर सॉफ्ट मार्कर जनरली कभी बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं रहता है एंड वी नीड नॉट टू डू एनी फर्दर टेस्टिंग and there is no indication for termination of pregnancy. तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट लेवल 2 पे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है, बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होती है, बच्चे के डेवलपमेंट में या कभी भी उसकी ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं करती है, 28 टू 32 वीक्स तक जनरली डिसअपियर हो जाती है. अगर फिर भी हमें कुछ टेंशन रहती है तो हम क्वाड्रिपल मार्कर का टेस्ट करवा सकते हैं. यस, इफ़ द क्वाड्रिपल मार्कर इज़ पॉजिटिव देन फर्दर टेस्टिंग नीड्स टू बी डन, जो आपके डॉक्टर आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको काउंसिल करेंगे. इसके बाद भी मन में कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.